नमस्कार। एक प्रश्न मुझे कई बार पूछा जाता है, वो ये होता है कि हम जब कभी भी वेडिंग के स्टेज की फोटोग्राफी करते हैं, उस समय हमारे फोटोग्राफ्स इतने क्लियर नहीं आते हैं, हल्का सा फोकस आउट आता है या हमें वो ब्लरी दिखाई देते हैं। अगर हम आँख की लाइनिंग की बात करें तो उसको जब जूम करते हैं हम लोग फोटोशॉप में, तो वहाँ पर दिखाई देता है कि आँख इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। स्टेज की फोटोग्राफी जब हम लोग करते हैं तो उस समय हमें कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो स्वाभाविक है और थोड़े से वो फोटो ब्लरी हो सकते हैं, हालांकि इतने ज़्यादा भी ब्लरी नहीं होंगे, बिल्कुल धुंधले दिखाई दे ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर मानेंगे कि फोटो ब्लरी हो जाते हैं, और विशेष उस समय जब पांच आदमियों से बड़ा ग्रुप होता है या चार आदमी होते हैं, पांच आदमी जब स्टेज पे हम लोग उनकी फोटोग्राफी करते हैं तो उस समय उनमें थोड़ा सा धुंधलापन हमें दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है? अब यदि सामने स्टेज के ऊपर कोई एक पर्सन खड़ा है तो बिल्कुल आप आराम से किसी भी एपर्चर पर फोटो ले सकते हैं। चाहे आपका लेंस अगर किट लेंस है और अगर आप उसको जूम कर रहे हैं तो वो कम से कम एपर्चर 5.6 का देगा। 18 mm पे अगर आप उसको शूट कर रहे हैं तो आपको ये 3.5 का एपर्चर देगा, तो उस पर सिंगल पर्सन तो आपको क्लियर दिखाई देगा। और अगर उसके साथ में दो आदमी हैं या टोटल दो व्यक्ति हैं तो वो भी 5.6 पे जब एक्सपोज करेंगे हम तो वो लगभग क्लियर दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही तीन या चार हो जाते हैं तो उस समय जो एपर्चर हमारा 5.6 होता है फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं। गलती ये होती है कि हम इसको जूम इन कर देते हैं पूरा, यानी अगर ये लेंस 140 लगा हुआ है, 18-140 लगा हुआ है, तो 18-140 में हम लोग क्या करते हैं उसको 70 तक ले आते हैं, 50 तक ले आते हैं, इसको जूम कर देते हैं। तो नहीं, ऐसे जूम मत कीजिए आप। जूम करना ठीक नहीं है। अगर आप ज़्यादा जूम करेंगे तो आपका फोटो ब्लरी आता जाएगा। जितना संभव हो सके हम करीब आ जाएं, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें। दूसरी बात, वहाँ पर स्टेज की फोटोग्राफी के लिए दोनों तरफ स्टूडियो लाइट आप लगा सकते हैं, और यदि स्टूडियो लाइट नहीं है, आपका बजट इतना नहीं है, तो आप फ्लैश माउंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल फ्लैश है। आजकल का क्रेज चल रहा है, हम लोग इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगाते हैं। डिफ्यूज़र भी लगाना चाहिए, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जब सामने 20 आदमी या 15 आदमियों का ग्रुप आ गया और आप थोड़ा पीछे चले गए हैं और वहाँ से अगर आप फोटो ले रहे हैं तो जो डिफ्यूज़र होगा वो वहाँ तक लाइट इतनी दे नहीं पाएगा, और वातावरण में भी लाइट अच्छी होना चाहिए। और कैमरा जो है हमारा, उसको लाइट को कंट्रोल करने के लिए हम ISO को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ISO को भी इतना हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा दें हमारा जो पिक्चर है वो पूरा नॉइसी दिखाई दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल जो फ्लैश होती है, तो यहाँ पर मैंने कई बार स्टेज पे मेरे साथियों को फोटोग्राफी करते हुए देखा है, तो वो क्या करते हैं, देखिए आप, इसकी जो फ्लैश की जो क्षमता होती है ना वो डाउन कर देते हैं इस प्रकार से। नहीं, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप इस फ्लैश की क्षमता को फुल रखिए ताकि कम से कम सामने लाइट ज़्यादा जाए। और ये नॉर्मल फ्लैश है, और यदि आपके पास में डिजिटल जो आजकल TTL फ्लैश आती है, अगर वो फ्लैश है तो आप उसको भी फुल पावर पे रखें। चाहे गोडॉक्स हो, निकॉन हो, या कोई दूसरी अन्य कंपनी की हो, सिंपेक्स की हो, डिजिटेक की हो, कोई भी हो, आप इसको मैनुअल मोड में रखें और 1:1 यानी इसकी फुल क्षमता पर रखें। जिस किट लेंस का आप उपयोग कर रहे हैं, समझता हूँ 30 तक ही रखना चाहिए, लेकिन फिर भी 35 चल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें पर्याप्त रोशनी भी देना पड़ेगी सामने। रोशनी परफेक्ट जाना चाहिए, और ये आप इतना सा जूम और इतना सा जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपकी पिक्चर ब्लरी हो सकती है या आपका जो इमेज है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये मैंने अभी लेंस की बात कर दी। अब बात कर लेते हैं हम इसका, स्टेज फोटोग्राफी में हम कौन सा एपर्चर रखें।
तो यहाँ पर निकॉन डी 7200 कैमरा है, और इसी से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैं इस सेटिंग पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें स्टेज फोटोग्राफी करते समय शटर क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको सबसे पहले तो कैमरा मैनुअल कर लें। मैनुअल करने के बाद में आप दूसरा ध्यान लगाएं कि आपका शटर क्या है। तो शटर के ऊपर आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 60 से लगा करके 125 तक रखना है। यानी सामने अगर 10 आदमियों का ग्रुप है या 15 व्यक्तियों का ग्रुप है, तब की मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ। अगर सिंगल पर्सन है तो उसकी सेटिंग अलग होती है। यहाँ पर अगर मैं ग्रुप की सेटिंग बता रहा हूँ, तो आपको 80, 60 से लेके 125 तक। फिर आपका एफ फैक्टर जो है, जिसे हम एपर्चर करते हैं, तो एपर्चर को आप 7 ये भी गलत, बेकार है ये। ये सिंगल पर्सन, जो सिंगल आदमी होता है, वहाँ तक के लिए ठीक है ये, और ये भी सिंगल या एक दो आदमियों के लिए ठीक है। लेकिन ग्रुप फोटो के लिए हम कम से कम, अगर दो लड़के हैं या दो व्यक्तियों का हम फोटो खींच रहे हैं, तो 8 से शुरुआत करनी चाहिए। तो ग्रुप में ये 8 थोड़ा ठीक ठाक है, इतना बढ़िया नहीं है। 9 थोड़ा ठीक ठाक है, इतना बढ़िया नहीं है। 10 थोड़ा सा ठीक हो सकता है, 11 और ज़्यादा ठीक हो सकता है, और 13 बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं इसको अच्छा मानूंगा, ये अच्छा हो सकता है आपकी फोटोग्राफी के लिए। आपका लाइटिंग सोर्स कम है, और आपने अगर शटर 1:60 रख रखा है, और अगर आपने जो एफ फैक्टर है इसको आपने 13 कर दिया है, और सामने लगभग 10 या 11, 12, 13 लोगों का ग्रुप है या 15 लोगों का ग्रुप है, तो वो क्लियर आप ले सकते हैं उसको। उनका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो भी लगभग क्लियर दिखाई देगा, और ये भी अच्छे दिखाई देंगे। लाइट सोर्स आपका अच्छा होना चाहिए, फ्लैश आपकी फुल होना चाहिए। और तीसरी बात हम करेंगे ISO की। तो ISO मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रखता हूँ किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तब, और कम से कम जैसी उस समय की रिक्वायरमेंट होती है, तो कम से कम रात्रि में 400 से लेकर के मैं 1000 तक जाता हूँ। कभी कभी अगर आवश्यक हो गया तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, लेकिन 1600 से ऊपर मैं कभी भी जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। 1600 में रेयर ऑफ रेयरेस्ट आता हूँ, बाकी मैं 1000 तक सिमट के अपना काम करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें कॉन्फिडेंस रहता हूँ कि मेरे पिक्चर में कभी भी नॉइस नहीं आएगी। चाहे लाइटिंग कंडीशन ठीक है नहीं है, तो उस कंडीशन में क्योंकि मैंने इस फिगर को अच्छे से माइंड में करके रखा है, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आप भी मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, तो आप भी एक बार इस तरह का प्रयोग करके देखें, और पिक्चर को कंप्यूटर पर लेकर के देखें, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अब तीसरी बात हम करते हैं कि फोकस मोड क्या होना चाहिए जब हम स्टेज की फोटोग्राफी करते हैं। तो फोकस मोड में आप AF एरिया मोड, आप 51 फोकस पॉइंट ले सकते हैं, और फोकस मोड जो होता है वो आपका AFS रखें। तो हम ऑटो फोकस सिंगल को ही इस्तेमाल करेंगे, और एरिया मोड जो है वो 51 आप रख लीजिए। लेकिन मैं अगर स्वयं की बात करूं, तो मैं सिंगल फोकस पॉइंट पर काम करता हूं, और अंदर अगर हमने एपर्चर 13 और 60 कर लिया है, तो आप उस पॉइंट को किधर भी घुमा दें, आप 51 फोकस पॉइंट है तो लगभग वो फ्रेम को पूरा फोकस में कर देता है। लेकिन सिंगल फोकस पॉइंट होने पे आप दूल्हा या दुल्हन के नाक या आँख को फोकस कर लेवें सिंगल पॉइंट से, तो इधर जो खड़े हैं लोग वो भी, और इधर जो खड़े हैं लोग वो भी क्लियर फोकस में आ जाएंगे। लेकिन कब, जबकि आपका एपर्चर वैल्यू 13 है। तो ये ऑलमोस्ट मेरी जो सेटिंग रहती है वो इस प्रकार की रहती है स्टेज के ग्रुप फोटो के अंदर। तो एक बार मैं वापस इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। आपको फ्लैश जो भी हो फुल पावर रखना है, लाइटिंग कंडीशन आपको बहुत अच्छी रखना है, हो सके तो स्टूडियो लाइट दोनों तरफ लगाइए स्टेज के ऊपर, तो आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ग्रुप आ रहा है सामने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 लोगों का, तो आप एपर्चर को 13 से बढ़ाइए, 16 कीजिए, उससे और ज़्यादा बढ़ाइए। आप ISO 1000 तक ले जा सकते हैं। ज़रूरत हुई तो आप, अगर 7200 कैमरा है तो आप 1600 तक भी आप कर सकते हैं, उसमें नॉइज़ की कंडीशन कम रहती है। लेकिन अगर आप 3000,
वाली सीरीज से काम कर रहे हैं तो उसमें ISO नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको रोशनी बढ़ाने का कुछ और कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, या 5000 वाली जो सीरीज होती है उसके कैमरे यदि हैं आपके पास में तो उसमें भी आपको लाइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या किस ISO पर नॉइस आता है तो वो आप आपके 5000 वाले सीरीज के अंदर आप चेक कर लें। ठीक इसी तरह से कैनन में भी सिस्टम होता है और ठीक इसी तरह से सोनी के अंदर भी होता है। जो एक्सपोजिंग और एक्सपोजर का जो रूल होता है वो कमोबेश सारी कंपनियों के अंदर एक जैसा होता है, उसका तरीका वही होता है। कार किसी भी कंपनी की हो उसका गियर का सिस्टम वही होता है, उसका एक्सीलेटर का सिस्टम वही होता है, उसका ब्रेक वही होता है, उसका स्टेयरिंग वही होता है। सिर्फ चेंज होता है तो उसके फीचर्स होते हैं, चेंज होता है तो एक कार बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है, एक कार थोड़ी सी कम लग्जरी होती है, लेकिन कार कार होती है। काम यही होता है कि गंतव्य स्थान पे पहुंचना, कैमरा कैमरा होता है, किसी भी कंपनी का हो वो आराम से सारी चीज़ों को शूट कर सकता है, लेकिन चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी पिक्चर ब्लरी नहीं आए, हम अच्छे से एक्सपोज कर लें। तो उसके लिए आप बार 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 प्रयोग कीजिए और प्रयोग के द्वारा ही आप सीख पाएंगे। कोई ऐसी पुस्तक नहीं होती है जिसमें हम पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लें। अगर हम पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लेते तो इसके साथ में 500 पेज की एक मैनुअल बुक आती है तो उसको पढ़ के ही हम सारा सीख लेते, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल। आपको करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये आपको ध्यान में रखना होगा, आपको अभ्यास 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 करते रहना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उसको आप अपने दिमाग के अंदर रखिए ताकि आप जब नेक्स्ट किसी कार्यक्रम में जाएं तब आपको ये याद रहे कि मैंने वहाँ पर ये प्रयोग किया था, उसमें मैं सफल रहा या असफल, तो मुझे वो प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, सफलता वाले प्रयोग सारे करने हैं। और इस प्रकार से हमें हमारी फोटोग्राफी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। स्टेज की फोटोग्राफी से डरे नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, घबराए नहीं, आराम से वहां पर काम कीजिए। हो सकता है आपका एक फोटो बिगड़ जाए, दो फोटो बिगड़ जाए, बहुत लंबा कार्यक्रम चलता है, 1.5 से 2 घंटे तक का चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे तक खराब फोटोग्राफी ही करते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है 1-2 फोटो बिगड़ गए। आप स्वयं का विश्लेषण कीजिए, बड़ी धीरज के साथ में सोचिए, संयम के साथ में सोचिए और अपनी फोटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए।